आप जिस तरह से हैं उसी तरह से अपने आप को एक्सेप्ट करना और इसके बाद अपने इनर डेमन को हराना, इसी एक थीम के साथ आज की मूवी आती है। आई एम साइबॉर्ग बट दैट्स ओके, ये इस मूवी का नाम है। ये एक कोरियन फैंटेसी रोमांटिक मूवी है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक मदर डॉक्टर के पास बैठी हुई है ये दिखता है। ये एक मेंटल हॉस्पिटल होता है और इस मदर को अपने बेटी को इसमें भर्ती कराना होता है, इसलिए इंटरव्यू चल रही होती है। मदर की लड़की का नाम चा है और ये हमारा मेन कैरेक्टर है। चा की जो फैमिली हिस्ट्री है ये डॉक्टर पूछ रही होती है। मदर फिर कहती है कि इसकी ग्रैंड माँ जो है ये भी मेंटल हॉस्पिटल में थी। इसके ग्रैंड माँ के बारे में फिर डॉक्टर और भी पूछती है। चा की मदर फिर कहती है कि चा के ग्रैंड मदर को लगता था कि हम सब चूहे हैं, वो अपने आप को भी चूहा समझती थी। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तो एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो वो रेडिश खा रही थी। ये जो रेडिश है ये सोप की तरह होता है। वो और भी कुछ चूहों को खिला रही थी, उसे लग रहा था कि ये मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स है। डॉक्टर फिर डायग्नोस करती है और लिखती है स्किज़ोफ्रेनिक ये पेशेंट है। ये जो सब चल रहा होता है इसके पैरेलल में हमें दिखाया जाता है कि क्यों अब चा मेंटल हॉस्पिटल में जा रही है। चा हमारा जो मेन कैरेक्टर है ये हमें एक फैक्ट्री में काम करती हुई दिखती है। इसने वहाँ एक रेडियो लाया होता है, उसका एंटीना बहुत ही बड़ा होता है और वो ओपन करती है। इसके बाद उसे कॉमेंट्री सुनाई देती है। ये जो कॉमेंट्री है ये इसके आवाज़ में यानी कि इसके सर में ही ये सब आवाज़ें चल रही है। ये जो कॉमेंट्री चल रही होती है इसके ऑर्डर से अपने जो हाथ होता है इसको ही वो काटती है और इसमें कुछ वायरस डाल देती है। अपने आप को जो चार्ज कर रही है ऐसा उसे लगता है। ये जो सब उसने किया है, सुसाइड अटेम्प्ट उसने किया है, इसकी वजह से अब उसे इस मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है। अब नेक्स्ट हमें मेंटल हॉस्पिटल में चा दिखती है और वो एक बेड पर होती है। बेड पर पड़े पड़े उसकी आँख तो ओपन होती है पर वो जैसे कोमा में है ऐसे वो पड़ी हुई होती है। एक औरत फिर इसका बेड लेती है और हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ उसे घुमाती है, हर पेशेंट की स्टोरी उसे सुनाती है। वो कहती है कि एक पेशेंट भागने की कोशिश उसने की थी, पुलिस ने उसे बहुत ढूंढना, सब उसे ढूंढते रहे। 2-3 दिन बाद ये जो बड़ा सा ग्लॉक है इसके नीचे वो छुपा था और वो मर गया था। ऐसी भयानक बहुत सारी स्टोरीज उसे सुनाती है पर इसके बाद हमें पता चलता है ये भी वहाँ की एक पेशेंट है। डॉक्टर वहाँ आती है और इसे दूर कर देती है। डॉक्टर चाको कहती है कि इसके बात पर कुछ भी बिलीव मत करना, ये अपनी मेमोरी लॉस कर देती है और ऐसी कुछ भी स्टोरीज बनाती है। अब हमें हॉस्पिटल के बाहर ये जो डॉक्टर है और इसका एक कलीग ये दोनों डिस्कस करते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं कि चा को सीवियर डिप्रेशन है, इसकी नैनी को भी यही था। इसको जो डिप्रेशन है इससे वो कभी भी बाहर आ सकती है। हमें दिखता है कि दिन भर चा बेड पर ही पड़ी रहती है पर जब रात होती है तो वो उठ जाती है। जैसे सब कुछ नॉर्मल है ऐसे हॉस्पिटल में वो चल रही होती है। रात में और भी एक पेशेंट जगा हुआ होता है, इसका नाम है सन। ये हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर है। ये चा को देखता है और उसका पीछा करने लग जाता है। चा जो होती है जो भी नॉन लिविंग चीज़ें होती है यानी कि लाइट, फ्रिज, इस तरह की चीज़ों से वो बात करती है। इसे लगता है कि एक साइबॉग है यानी कि एक रोबोट है, इसी वजह से किसी से भी बात कर सकती है। पहले सीन में हमें दिखाया गया था कि अपने आप को ये चार्ज कर रही थी। इसे लग रहा था कि इसकी चार्जिंग खत्म हो गई है और यही करने की कोशिश कर रही थी, इसी वजह से इसने अपने आप को इलेक्ट्रिक्यूट कर लिया था। चा फिर हमें रेफ्रिजरेटर से बात करते हुए दिखती है और उससे कुछ मांगती है। ये ओपन भी हो जाता है, उसे जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। सन इसका पीछा ही कर रहा होता है और उसके बैग में जो भी कुछ है ये वो देखता है। सन एक शातिर चोर होता है तो इसके बैग से वो टूथब्रश निकालता है, ब्रश कर लेता है और ये रख भी देता है। चा फिर हमें हॉस्पिटल में अपने बेड के पास जो लाइट होता है उससे बात करती हुई दिखती है। ये उससे पूछती है कि तुम्हें कब पता था कि तुम लाइट हो। वो कहती है कि मुझे बहुत पहले से ही पता था, जब मेरी नैनी हॉस्पिटल में जा रही थी तब से मुझे पता है। ये हमें इसकी जो मेमोरी है ये फिर दिखाई जाती है। इसकी नानी को हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है और ये अपनी बाइसिकल से इसका पीछा करती है। ये अपनी नानी का पीछा नहीं करवाती। इसके मन में ही एक क्वेश्चन आता है, ये तो साइबॉग है, ये तो पीछा कर सकती है, ये कभी भी थक नहीं सकती। ये अपना ही रैशनलाइजेशन कर लेती है कि इसकी बैटरी खत्म हो गई होगी इसलिए इसका पीछा नहीं कर पा रही। इसका जो एनिमी है वो अब एम्बुलेंस बन चुकी है, इसको अम्स बुलाती है। इसका मिशन होता है कि सारे अम्स को मिटा दे, उसकी जो नानी है उसे फिर से बचा ले। चाह फिर हमें दिखती है कि वो फ़ोन से बात कर रही होती है, उससे पूछती है कि मैं साइबॉर्ग हूँ पर मुझे पता नहीं है कि मेरा पर्पस क्या है, अगर मुझे मेरा पर्पस मिल जाए तो इससे मेरी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी, मैं किस लिए बनी हूँ ये मुझे पता चल जाएगा। इस मूवी में हम देखते हैं कि जो भी सब चीज़ें हो रही है ये हमारी लाइफ से बहुत रिलेट कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल हम भी हमारे पर्पस के लिए स्ट्रगल करते हैं, जो भी चीज़ होती है जिससे हम बहुत ही प्यार करते हैं ये हमसे छीन ली जाती है या दूर चली जाती है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर भी हम होपफुल होते हैं कि हम इसे फिर से पा लेंगे। इस तरह से सिम्बोलिज्म का यूज़ कर ये पूरी मूवी चलती है। इस पागल लोगों की कहानी में
एक बहुत ही रियल लाइफ स्टोरी निकल कर आती है। फिर से हम वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। चा के पास हमें एक मोटी औरत आई है, ये दिखता है। वो कहती है कि मैंने नोटिस किया है कि तुम अपने प्लेट से कुछ भी खाना नहीं खाती। चा अपने आप को तो साइबोर्ग ही समझती है, तो कुछ खाना नहीं खाती। ये मोटी औरत फिर उसे कहती है कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तुम पर सब लोग नजर रखेंगे, तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा, तो तुम्हारा खाना मैं खा सकती हूँ। ये मोटी है तो इसे बहुत सारा खाना लगता है। ये डील फिर ये कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन जो है, इसमें एक मीटिंग चल रही होती है। इसमें डॉक्टर और पेशेंट बैठे हुए होते हैं। इन्हें जो भी सब प्रॉब्लम्स है ये डॉक्टर उन्हें कहने को बोलती है। इन सब को सन से प्रॉब्लम होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सन सब कुछ चोरी कर सकता है, तो इन सब की चीज़ें इसने चोरी की होती है। इस पर बहुत ही नाराज़ होते हैं। एक कहता है कि मेरे पास टेबल टेनिस खेलने का टैलेंट था पर इसने मुझसे चोरी कर लिया है। जो मोटी औरत होती है वो कहती है कि मुझे बहुत भूख लगती थी पर अब उतनी भूख नहीं लगती, इसने मेरी भूख चुरा ली है। इस तरह से ये सब इस पर ब्लेम करते हैं। नेक्स्ट सीन में सन अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया था, मैंने सिर्फ थर्सडे चुराया है। चा ने अब सुना है कि सन कुछ भी चोरी कर सकता है। चा के मन में होता है कि मेरे पास भी एक चीज़ है जो चोरी हो जानी चाहिए, इसीलिए सन का अब वो पीछा कर रही है। चा वंडर करती है कि थर्सडे कैसे चोरी कर सकता है। सन बहुत ही डिस्टर्ब होता है क्योंकि उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई है, ऐसा उसे लग रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे कंसोल करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सन जब रूम से चला जाता है तो चा भी बाहर आ जाती है। चा जब अपनी बैग देखती है तब उसके पास हर डे के लिए एक नई पैंटी होती है, तो उसकी थर्सडे की जो पैंटी होती है ये मिसिंग होती है। अब उसे पता चल जाता है कि सन ने क्या चोरी किया था। चा सन का पीछा कर रही होती है और सन को पता चल जाता है कि उसका पीछा कर रही है। वो उसके पीछे आता है तो एक लॉक में वो छिप जाती है। सन उसे कहता है तुम साइको, मेरा पीछा मत करो, और वहाँ से चला जाता है। वो जाते वक्त चा उसे कहती है मैं साइको नहीं, मैं साइबॉग हूँ। फिर से हमें चा की एक मेमोरी दिखती है। उसने सन को अभी अभी बताया है कि वो साइबॉग है, इससे मेमोरी ट्रिगर होती है। चा की मदर के साथ ये उसकी मेमोरी है। चा की जो मदर है ये एक रेस्टोरेंट चलाती है। इस सीन में हमें दिखता है कि चा अपने मदर के पास जाती है, उसे कहती है कि वो अलग है, वो एक साइबॉर्ग है। इसकी मदर सरप्राइज हो जाती है कि ऐसा उसे क्यों लग रहा है। चा इस पर पूरा बिलीव करती है तो उसकी मदर उसे कहती है कि ठीक है, तुम अगर साइबॉर्ग हो तो हो, पर किसी को भी ये बात पता नहीं चलना चाहिए। हमारा रेस्टोरेंट है, किसी को अगर पता चला कि तुम साइबॉग हो तो हमारा जो बिजनेस है इस पर ज़रा फर्क पड़ सकता है। तुम साइबॉग रहो पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये सीन यही खत्म हो जाता है। हम जैसे हैं ये सोसाइटी की वजह से ही किसी को बता नहीं पाते, ये सीन यही रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि चार लाइट से बात कर रही है। उसे कह रही होती है मेरी जो चार्जिंग मेथड है ये वर्क नहीं कर रही, मैं जब चार्ज हो जाऊंगी तब मैं नानी का बदला ले सकूंगी। उसे लगता है चार्जिंग करने के लिए उसके जो 7 सीन्स है ये उसे नहीं करने हैं। ये जो 7 सीन है इसके बारे में फिर हमें बताया जाता है। इसमें किसी के भी प्रति सिंपथी होना ये गलत है, सैड होना गलत है, रेसलेसनेस होना गलत है, हेसिटेशन करना गलत है, डे ड्रीमिंग करना गलत है, गिल्टी फील करना गलत है, और ज़्यादा थैंकफुल होना भी गलत है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं करती, इसे लगता है कि सिंपथेटिक है। जो एम्बुलेंस होती है इसके प्रति ये सिंपथेटिक है, इसी वजह से उसे लगता है कि अपना मिशन जो अपना गोल है ये कंप्लीट नहीं कर पा रही। इसकी जो सिंपथी है ये सन अब चोरी कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें सन दिखाया गया है और उसका एक फ्रेंड होता है। ये जो इसका फ्रेंड है ये सब लोगों के प्रति बहुत ही रिस्पेक्टफुल होता है। कोई भी चीज़ गलत हो जाए तो इसे लगता है कि इसने ही ये की है। ये हॉस्पिटल में भी होता है क्योंकि एक एक्सीडेंट हो चुका होता है और इसके रोड साइड पर ये था। इसे लगा था कि इसने ही एक्सीडेंट ये किया है पर इसमें इसकी कुछ भी गलती नहीं थी। जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके रिलेटिव्स के पास ही जाता था, उन्हें कहता था कि इसकी गलती है। ये इनका पीछा ही करता रहता था और इन्हें छोड़ता ही नहीं था, इस वजह से इसे हॉस्पिटल में डाल दिया है। अब हॉस्पिटल में भी कुछ भी गलत हो जाता है इसे लगता है कि इसने ही ये किया है। ये सन से बोल रहा होता है कि मेरा जो ये नेचर है ये तुम चोरी कर लो। सन भी बिलीव करता है कि ये चोरी कर सकता है, इसलिए इसके फेस पर एक रेड कलर लगा देता है। इसके बाद इसके कंधे पर हाथ रख कर इसने ट्रांसफ़र कर लिया है, इसे वो प्रिटेंड करते हैं। इस आदमी की जो कंडीशन थी वो बहुत सारी क्योर हो जाती है, पर फिर भी इसकी जो प्रॉब्लम थी इसे ये मिस करता है। इसके प्रॉब्लम है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ये इससे अब छीन ली गई है तो ये रोने लग जाता है। इसके बाद सन के पास चा आई हुई है, ये हमें दिखता है। चा बोलती है कि मेरी जो सिंपथी है ये तुम ले लो। चा कहता है कि ऐसे में चोरी नहीं कर सकता, ये तुम मुझे दे रही हो और मैं ले रहा हूँ, ऐसा ही ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। उसे कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए और इसके लिए तुम्हें ग्रीव करना चाहिए, तुम्हें गुस्सा आना चाहिए जब मैं तुमसे लूँगा। चा कहती है कि ये सब मैं करूँगी। सन फिर कहता है कि मुझे तुम्हारा पीछा करना पड़ेगा,
2 3 दिन में तुम्हारा पीछा करूंगा और फिर तुमसे चोरी कर लूंगा। चाबी इसके लिए मान जाती है। अब नेक्स्ट को सीन में हमें दिखता है कि सन चा का पीछा कर रहा है। सन को एक प्रॉब्लम आ चुकी है, जो सिंपथी उसने चोरी की थी वो बहुत ही सिंपेटेटिक हो चुका है। ये सिंपथी के साथ रह नहीं सकता, तो जिस आदमी की सिंपथी थी उसे वापस कर देता है। अब ये चा का पीछा कर रहा था तो इसकी जो सिंपथी है ये वो चोरी नहीं करता, तो उसके बैग में एक वैल्यूबल चीज़ होती है इसे वो चोरी कर लेता है। इसके बाद चा बहुत ही रोती है, इसे पता नहीं होता कि इसकी जो चीज़ थी ये किसने ली थी। ये फिर सन के पास आई होती है, ये बहुत रो रही होती है। ये कहती है कि नानी के दांत थे, ये जब हॉस्पिटल से बाहर आएगी तो चबाने के लिए उसे लगेंगे। ये चोरी हो गए हैं तो इसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है। ग्रुप मीटिंग में जब चा को पता चलता है तो इस पर वो झपक जाती है, उसे बहुत मारती है। इसके बाद हमें दिखता है कि सन और चा जो उनकी सेरेमनी होती है, इसका मतलब है सन अब किसी कलर से इसका जो फेस है इसे रंग देगा और इसके बाद इसकी जो सिंपथी है ये चोरी कर लेगा। ये सेरेमनी उनकी हो रही होती है। जब ये ख़त्म हो जाती है तब चा को लगता है उसका जो वे है इसके बीच में कोई भी नहीं आने वाला। यह पूरी तरह से साइबॉर्ग बन चुकी है और चार्ज हो चुकी है। ये फिर बाहर निकलती है, हॉस्पिटल में आती है, हॉस्पिटल में अपने हाथ से गन बनाती है और सबको मार देती है। ये जो सब हो रहा होता है इसके ड्रीम्स में ही होता है, और ये ड्रीम जब ख़त्म हो जाता है तब एग्जॉस्ट हो जाती है और वही गिर जाती है। इस सीन के बाद सन की जो बैक स्टोरी है ये हम देखते हैं। सन जो होता है ये अपने पेरेंट्स से निगलेक्ट हो जाता है, ये उनके लिए इनविजिबल था, तो सन को लगने लगता है कि इनविजिबल है इससे वो चीज़ें चोरी कर सकता है। चोरी करने की वजह से वो जेल में भी जाता है, पर जेल में वो चोरी करता है। इसे लगता है कि अब ये छोटा छोटा होता जाएगा और एक दिन इनविजिबल हो जाएगा, वो ऐसा होकर मर सकता है। इसी वजह से वो अब हॉस्पिटल में आया है। उसे लगता है कि अगर वो इलाज लेगा तो वो छोटा नहीं होगा, इनविजिबल नहीं होगा। इसके जो बीमारी है इसके बारे में इसे सब कुछ पता है और ये सेल्फ अवेयर है कि इसको अच्छा होना है, इसीलिए हॉस्पिटल में आया हुआ होता है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पता चलता है कि चा कुछ खा नहीं रही थी, इसी वजह से वो पड़कर गिर गई थी। इसका ब्रेन रिसेट करने के लिए, इसको फिर से होश में लाने के लिए इसे शॉक थेरेपी देते हैं। ये जो शॉक में होती है तो उसे ग्रैंड माँ दिखती है। ग्रैंड माँ उससे बात करने की कोशिश कर रही है पर इसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसको अपनी ग्रैंड माँ को बचाना है, इसके लिए वो फिर से जाग जाती है। डॉक्टर से वो कहती है कि मैं मशीन्स में लगी हुई थी, मुझे मेरी ग्रैंड माँ मिलने के लिए आई थी। ये जो सब था ये इमेजिन कर रही थी, तो इसलिए डॉक्टर इससे कंसर्न हो जाती है। चा फिर वहाँ से उठ जाती है और फिर से इमेजिन करती है कि सब लोगों को वो मार रही है। फिर से गिर कर सो जाती है। अब चा कुछ खा नहीं रही है तो डॉक्टर्स वगैरह उसे नली से खाना दे रहे होते हैं। यह जब सन देखता है तो उसे लगता है कि बहुत ही गलत है, ये इसकी मर्जी के खिलाफ है, खाना खाना नहीं चाहती क्योंकि साइबॉग है। सन फिर डिसाइड करता है कि अब वो उपोषण करेगा। हॉस्पिटल में इसके जो सब फ्रेंड्स होते हैं इनको भी मना लेता है कि वो भी अब उपोषण करेंगे। डॉक्टर फिर उसके पास आता है, उसे समझाता है कि अगर वो और भी 3 दिन तक स्टार्व करती रही तो वो मर जाएगी। ये सुनकर सब डर जाते हैं और सब खाना खाने लग जाते हैं। सन को चा के साथ जो भी सब हो रहा है ये मंजूरी नहीं होता, तो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है और चा के रूम में पहुँच जाता है, उसके बेड के नीचे वो कुछ रख देता है। इसके बाद हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है इसे एक बंद खोले में बंद कर देते हैं। ये जो रूम होती है ये चा के रूम के पास ही होती है। सन ने चा को जो चीज़ दी थी ये स्ट्रिंग वॉकी टॉकी है, इसे अब वो बात कर सकते हैं। सन चा को कहता है कि मेरे पास एक बूट है जिससे तुम उड़ कर कहीं भी जा सकते हो। ये फिर उनकी एक इमेजिनरी दुनिया में स्विट्जरलैंड में पहुंच चुके हैं, ये इमेजिन करते हैं। इस इमेजिनरी दुनिया में चा उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें खाना खाना चाहिए, पर ये अभी भी मान नहीं रही होती। चा की जो नानी है ये उसे वहाँ दिखती है, एक दूसरे को हक करते हैं। सन ने चा को उसके नानी के जो टीथ थे वो वापस कर दिए हैं। ये टीथ को नानी को दिखाती है, वो कहती है कि तुम जब वापस आओगी तब तुम्हें ये लगेंगे। नानी उसे बोलती है कि मुझे अब ये नहीं लगेंगे, तुम जब बूढ़ी होगी तो तुम्हें ये लग सकते हैं। नानी उससे दूर हो रही है ऐसा उसे लगता है, इसका मतलब है नानी अब मर चुकी है और इसका रियलाइजेशन उसे होता है। नेक्स्ट दिन चा की मदर ये न्यूज़ सुनाने के लिए वहाँ आती है। चा की मदर उसे कहती है तुम्हारी नानी ये टीथ पीछे छोड़कर चली गई थी, वो हॉस्पिटल में फिर से रेडिएशन ना खाए तो इसलिए उसने किया था। चा की मदर उसे पूछती है तुम साइबॉर्ग हो, ये किसी को बताया तो नहीं ना। चा कुछ बोलती नहीं तो समझ जाती है इसने किसी को बताया है। इसकी मदर रोने लग जाती है, वो कहती है इसी चीज़ें तुम्हें दुनिया को नहीं बतानी है। चा बहुत ही दुख में होती है, नानी की जो भी सब चीज़ें होती है ये वो गाड़ देती है। ये टीथ पहले गाड़ती है, उसे लगता है कि ये टीथ उसे नहीं गाड़नी चाहिए, ये फिर वो निकाल लेती है। चा को सहारा देने के लिए सन भी वहाँ आता है और एक दूसरे को घिस करते हैं। डॉक्टर्स ने ट्यूब से इसे कुछ खाना दिया है, इसे चा अब थोड़ी देर तक जी रही है पर अगर ये कुछ खाना नहीं खाएगी तो ये पक्का मर जाएगी।
संजो है अब इसके लिए केयर करता है, ये दोनों अब प्यार में है तो इसे लगता है कि इसे कुछ खाना चाहिए। सन फिर एक आइडिया लगाता है, इसके पास अपनी मदर का एक फोटो होता है जो एक बड़े से पेंडल में होता है। ये पेंडल फिर वो चाकू दिखाता है, वो कहता है कि एक डिवाइस है, अगर ये डिवाइस मैं तुम्हारे बॉडी में फिट कर दूंगा तो इससे तुम जो खा रही हो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इससे डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे तुम कुछ भी खा सकोगी। ये फिर झूठ मूठ उसका ऑपरेशन करता है ऐसा प्रिटेंड करता है और चाकू भी ये सच लग जाता है। फिर उसे कैंटीन में लेकर आता है, जब ये उसे खाना देता है चाकू अब भी नहीं लग रहा होता कि ये वर्क करेगा। चाकू उसे कहती है कि अगर मैं खा लूँ, अगर ये वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा। सन कहता है कि वर्क करेगा, मुझ पर भरोसा रखो। चाकू उसे कहती है अगर ये खराब हो गया और तुम अगर मेरे पास नहीं रहे तो मैं क्या करूँगी। सन कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, इसे कॉन्फिडेंस देता है और फिर खाना खिलाता है। अब फिर खाना खाने लग जाती है, चाकू का जो पर्पस था ये अब चला जा चुका है, उसके नानी को उसे बचाना था। इसकी नानी अब इस दुनिया में नहीं है तो अब ये क्या करेगी। इसकी नानी के जो क्रेव उसने बनाई होती है यानी कि उसकी चीज़ें उसने गाड़ी हुई होती है वहाँ वो आती है। इसकी मेमोरीज में वो याद करती है जिस दिन उसकी नानी को ले जाया गया था, इस मेमोरी को अपने मन में याद करती है। इसके लिए बहुत ही पेनफुल था, जिस रूम में वो थी इस रूम में एक रेडियो था, नानी और वो हमेशा इस रेडियो से गाना सुनते थे। इसी रेडियो से चाह हमेशा बात करती है, उसे एक ब्रॉडकास्ट सुनाई देता है और ये इसके खुद के ही थॉट होते हैं। इसे सदमा लगा था और इसके बाद से इस रेडियो से उसे आवाज़ें आ रही थी ऐसा उसे लग रहा था। चाकू लगता है कि अब उसे बेटर होना चाहिए, इसलिए डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बता देती है। उसकी मदर ने उसे कहा था कि तुम साइबॉग हो, किसी को भी बताना नहीं है, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, पर अब ये जो है ये दुनिया को बता देना चाहती है। ये डॉक्टर को जब बताती है, डॉक्टर को इसको प्रॉब्लम पता चल जाता है, ये एक दूसरे को हक करते हैं। डॉक्टर बताती है कि परफेक्टली फाइन है कि तुम साइबॉग हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें चा और सन दोनों बैठे हुए ये दिखता है, चाकू उसकी जो नानी है ये कुछ मैसेज दे रही है ये उसे पता चलता है। ये जब मैसेज वो लिखते हैं तभी इंटरप्रेट करते हैं कि इन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, इसके लिए इन्हें बहुत सारी एनर्जी लगने वाली है तो इस काम में वो भी लग जाते हैं। इनके जो इमेजिनरी वर्ल्ड है इसमें पहुंच जाते हैं और काम करने लग जाते हैं। ये सब जो वो कर रहे हैं ये इनकी इमेजिनेशन में कर रहे हैं, पर एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए ये सब वो कर रहे हैं। ये दोनों फ्लॉड कैरेक्टर्स हैं, एक दूसरे से अब मिल चुके हैं और एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। ये जो मूवी थी ये बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड मूवी थी, एक झूठ में हमें एक सच बताया गया है। जैसे हम मूवी के फर्स्ट में देखते हैं कि चाक उसकी मदर कहती है कि तुम्हें किसी को भी बताना नहीं कि तुम साइबॉग हो, यानी कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, सोसाइटी के फेयर में आप जो हो किसी को भी नहीं बताते और अपनी लाइफ नहीं जीते, आपकी लाइफ में आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती है जो आपसे छीन ली जाती है। इस केस में चाक के लिए उसकी ग्रैंड मदर ये थी, उसे फिर से पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी थी, उसे एक सेल्फ रियलाइजेशन था। उसकी नानी को अगर उसे बचाना है तो उसके जो सीन्स है यानी कि सिंपथी, सैड होना, रेसलेसनेस, ये जो 7 सीन्स होते हैं इससे उसे ऊपर उठना है। इसके लिए वो मेहनत भी करती है, यानी कि आदमी के मन में जो सब बुरी आदतें होती है, जो डीमंस होते हैं, इनको हमें पार करना पड़ता है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। इसके बाद ही अपना पर्पस लूज करती है, अपना जो लव पार्टनर है इसे पाती है, फिर से दोनों मिलकर उनका पर्पस ढूंढ लेते हैं, उसके बाद एक दूसरे को हेल्प कर कर जीते हैं। इसी एक ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दीजिए, यानी कि सब मूवीज़ आपको मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।